Yes, good evening everyone and welcome to class, all of you my dear student. स्वागत है सभी का अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज के चैनल पे. स्वागत है थोड़े से देरी के लिए, टेक्निकल चीजें होती हैं उनमें थोड़ा डिले भी चलता है माय डियर. सो वेलकम टू क्लास ऑल ऑफ यू. और सभी जल्दी से लौट आइए. आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी वेटिंग फॉर द क्लास. आई कैन सी दुर्गेश, उज्ज्वल, वर्षा, आराधना, श्रेया, सुमन, देवी, वेलकम टू क्लास. दिवाकर जी प्रणाम माय डियर, प्रणाम और स्वागत है. स्वागत है क्लास में. अर्चना देवी इज इन क्लास, बिल्कुल अभी आ चुके हैं सर, एंटर कर चुके हैं. साक्षी गुड इवनिंग. अर्चना वेलकम टू क्लास माय डियर, वेलकम टू क्लास. बबीता वेलकम टू क्लास एंड वेलकम टू अन अकेडमीज ह्यूमैनिटीज चैनल ऑल ऑफ यू. और आपके जोशीले सर, अजय सर हमेशा की तरह, सलोनी वेलकम टू क्लास माय डियर, वेलकम टू क्लास. और जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करिए, जल्दी से लाइक बढ़ जाना चाहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका रहने वाला है एक, जैसे बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट. ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. एक्सक्लूसिवली लेके आए हैं सलोनी. एक्चुअली आई सलोनी फ्रॉम वेयर माई डियर. सो दिवाकर जी क्या बात है, प्लस वाले वेलकम टू क्लास माय डियर, वेलकम टू क्लास. यस, सो वेलकम टू अन अकेडमीज ह्यूमैनिटीज चैनल. और मैं स्वागत करता हूं सभी का चैनल के ऊपर और आपके पूरे डिमांड के ऊपर. कैसा रहा माय डियर दुर्गेश आपका एग्जाम, कैसा रहा? आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे आपके लिए लेके लौटे हैं चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल का पार्ट 3. ये चैप्टर पूरा करवाया जाएगा, अगला पार्ट भी इसी का ही आएगा जल्दी ही, और ये भी चैप्टर पूरा होगा तो बहुत बढ़िया से सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत बढ़िया से सब कुछ करवाने वाले हैं और बहुत मजा आना ही आने वाला है हिस्ट्री पढ़ के. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया. ग्रेटर नोएडा से बिग फैन भाई. देखिए इतना आप इतना पसंद करते हैं, इतना अच्छा लगता है आपको हमारा कंटेंट, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और कंटेंट को इतना सराहते हैं उसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूंगा. और बहुत बढ़िया से थैंक, ओके अभय मोदी वेलकम टू क्लास माय डियर, वेलकम टू क्लास. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं शुरू और बढ़ते हैं आगे. ठीक है, ओके, प्लस पे भी करवाएंगे माय डियर और करवा भी चुके हैं और प्लस पे भी होगा. तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपना जोशीला या ऑलवेज हाई इन एनर्जी सर अजय धाय. माय डियर मैं हूं आपके क्लास 11th और 12th का हिस्ट्री का एजुकेटर आराधना. बहुत बढ़िया माय डियर, और इसी तरीके की हिस्ट्री मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाने वाला हूं. अभी जस्ट आपके 11th के एग्जाम होने वाले हैं. कैसा रहा माय डियर आपका टेस्ट? और ऐसी और तैयारी मेरे साथ क्लास 12th की भी कर सकते थे कि ये सही समय मेरे साथ आने का, जुड़ जाने का और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं और अभी आप पूरे चैप्टर्स वहां पर एकेडमी पे कवर कर सकते हैं. ओके सलोनी, गॉट इट माय डियर, गॉट इट, ग्रेट. और ऐसे ही फिर आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं यहां पे और भी. यस रोशनी वेलकम टू क्लास माय डियर, और भी बहुत सारे चैप्टर और 12th की भी तैयारी आप साथ ही साथ कर सकते हैं. इसी तरीके से एक बेहतर तैयारी के लिए अनअकैडमी जो ऐप है उस पर भी आप आ सकते हैं, वहां पे फ्री क्लासेस ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं बहुत सारी फ्री क्लासेस. माय डियर पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी होगा और पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन का पार्ट प्लस पे होगा और प्लस पे आने वाले एक दो दिन के अंदर ही हो जाएगा और बहुत बढ़िया से होंगी सारी की सारी चीजें. यस माय डियर दुर्गेश, तो बहुत बढ़िया से सारी चीजें होने वाली हैं, तो वो हम पे भी आप आ सकते हैं और फ्री क्लासेस मेरे साथ ले सकते हैं. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई माय रेफरल कोड AJAYD10. इस संडे को भी होने वाला है आपका क्विज. संडे को पता है ना आपको मैं क्विज कराता हूं अकेडमी ऐप पे, स्पेशल क्लास में, फ्री क्लास में, जहां पे आपको अप्लाई करना है रेफरल कोड AJYD10. और
वहां पे इस बार क्विज होने वाला है, बहुत बड़ा एक धमाकेदार क्विज होने वाला है, और ऐसा ही क्विज मैं आप लोगों के लेके आने वाला हूं यूट्यूब पे भी, तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए मैराथन सीरीज आपका भी होगा, मैंने बताया है, आज मैं आपका पार्ट 3 लेके आया हूं, और मैराथन सीरीज कल सुबह 23 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा। कल सुबह 10 बजे मैराथन सीरीज होगा। इज इट फाइन फॉर यू ऑल? क्या आप लोगों के लिए सही है कि सुबह 10 बजे मैराथन सीरीज हो जाए सेंट्रल इस्लामिक लैंड चैप्टर का? जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, जल्दी बताइए। पार्ट मॉडर्नाइजेशन के काफी पार्ट मैं कर चुका हूं कवर, आप लोगों के लिए कवर कर चुका हूं पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन के अनअकैडमी स्पेशल ऐप पे, अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बेहतर, अगर एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को रेगुलरली करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जहां पे आप बेहतरी से कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि वहां पे काफी बेनिफिट है। बेनिफिट्स लाइक, अगर वहां पे मैं बेनिफिट्स की बात करूं, बिल्कुल शाम में करें, चलो मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, तो ऐसे में सुनिएगा, ऐसे में आप लोगों को बताऊं काफी बेनिफिट है। जैसे पेंटेड डाउन सीरीज, माय डियर, पेंटेड डाउन सीरीज एक बेहतर सीरीज है, जहां पे आप अपने सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज को तैयार कर सकते हो एक अच्छे से, एक बेहतरी से, एक बढ़िया से, माय डियर, अच्छाई से आप जो है वो सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी कई बेनिफिट है। बिल्कुल मैं देखता हूं, मैं सारी चीजें करने वाला हूं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए होने वाली है, और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी, वो भी प्लस के बेनिफिट है। तो इसी तरीके से आप आ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे, और कर सकते हैं मेरे साथ तैयारी बेहतरी से। तानिया वेलकम टू क्लास माय डियर। अनलिमिटेड कोर्सेज आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलने वाले, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस ऐप पे, ठीक है? चलो ठीक है, शाम को नहीं सर, हम नहीं चाहते कि छूटे, चलो शाम को देखते हैं, शाम को कोशिश करते हैं, या तो सुबह का मैंने सोचा है, या मैंने फिर शाम को ही देखता हूं, चलो मैं कोशिश करता हूं। और भी बहुत सारी चीजें आपकी बेहतरीन से, बढ़िया से कवर करवाई जाएंगी, रेगुलर डाउट क्लियर होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, आंसर राइटिंग सेशन होंगे, मेंटर्स गाइडेंस आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगी बेहतरीन से। और इससे भी बेहतर फीचर है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। गुड इवनिंग श्रुति, वेलकम टू क्लास। और इसीलिए ये बेहतर समय है, ये सही समय, राइट समय है अनअकैडमी प्लस पे आने का, और अप्लाई करने का रेफरल कोड भूलिएगा नहीं, 10% डिस्काउंट के लिए अप्लाई करिए डिस्काउंट कोड AJYD10, ठीक है, AJYD10। चलो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपकी हर एक बात मैं मानता हूं, हर एक बात मैं सुनता हूं, और जरूर मैं उसमें वो चीज करूंगा। तो इसीलिए अनअकैडमी प्लस पे आ रही है, और मेरे साथ रेगुलरली पढ़िए और अप्लाई करिए रेफरल कोड AJYD LIVE। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे बढ़ने का समय, आगे करने का समय, और बीच में क्विज भी होगा तो कहीं मत जाइएगा। ये चैप्टर हम, माय डियर, हम टेलीग्राम पे नहीं मिले, टेलीग्राम पे हम जो है क्लास के अंदर अटैच करवा देंगे टॉपिक, सॉरी, जो हमारा लिंक है वो टेलीग्राम पे अटैच करवा देंगे आपके लिए, किसी प्रकार का कोई वरी मत करिए, हो जाएगा। अगली ही, मोस्ट प्रोबेबली अगली ही क्लास में हम टेलीग्राम लिंक अटैच करवा देंगे, और वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो पिछली क्लासेस में माय डियर मैंने सुबह का टाइमिंग रखा था, लेकिन अगर नहीं रहा तो मैं फिर शाम को इसको करने वाला हूं, 6 या 6:30 पे अराउंड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो चलिएगा, आगे देखिए और आगे बढ़े। तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे काफी सारी चीजें कि कैसे यूरोपियाई देश यहां पे आए, और कैसे इंपीरियलिज्म यहां पे बढ़ा, और कैसे नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने धीरे धीरे एक्वायर करने लगे, पहले व्यापार के रूप से यहां पे आए और फिर यहीं पे ही रहने लगे। यहां पे रहते थे नेटिव लोग, कौन रहते थे, कहां से आए थे, वो हमने पढ़ा, कैसा उनका जीवन व्यापन था, कैसी लाइफ जीते थे, कैसे सीधे साधे सिंपल लोग होते, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसा, ये टॉपिक हमने किया था कि कैसा म्यूचुअल प्रिसेप्शन था आपस में एक दूसरे का। प्राची वेलकम टू क्लास माय डियर। कैसा म्यूचुअल प्रिसेप्शन था, कैसी सोच थी, और सोच में मैंने बताया था कि दोनों की अलग अलग सोच, लेकिन आपको पता है सोच किसकी बेहतर थी,
नेटिव लोग जो थे वो एनवायरमेंट से उतनी ही चीजें लेते थे जितनी रिक्वायर्ड थी, और वो किसी प्रकार का कोई भी गलत उपयोग एनवायरमेंट का नहीं करना चाहते थे, और वो एक बेहतर जीवन जंगल में रहके जीते थे या फिर एक सिंपल लाइफ वो रह जीते थे उस समय। लेकिन उसी समय आए यूरोपियन जिनकी परसेप्शन अलग, जिनकी सोच अलग, वो इन लोगों को बहुत बैकवर्ड पिछड़ा हुआ मानते थे, अनसिविलाइज्ड मानते थे। यूरोपियन बोलते थे हम सिविलाइज्ड हैं, हम पढ़े लिखे हैं क्योंकि हमारे यहां पे लिटरेसी है। हाय माय डियर कृतिका, हमारे यहां पे रिलीजन है, हमारा धर्म एक है, हमारे यहां शहरीकरण है और तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो। लेकिन कुछ लोगों ने तो, कुछ फिलोसफर्स ने जैसे जीन जैक्स रूसो ने तारीफ करी है कि ये लोग बहुत पवित्र हैं, प्रोटेक्टेड हैं, कि अभी भी ये जो लोग हैं कहने का मतलब फ्री फ्रॉम करप्शन है। लेकिन कुछ पोएट जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो कभी मिले भी नहीं इन लोगों से, उन्होंने इनको टर्म कर दिया कि ये जो लोग हैं जंगली लोग हैं बोला, और इनके अंदर सोच शक्ति नहीं है, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस इन लोगों को उन्होंने टर्म आउट कर दिया सिर्फ इस आधार पे कि वो लोग जो है एनवायरमेंट से इतनी चीजें नहीं लेते या उनकी तरह लालची नहीं है, व्यापार के बारे में नहीं जानते। ये हमने पढ़ा था, नेटिव लोग बहुत सीधे साधे थे, उनको जब यूरोपीय यहां पे आए और उनको यहां पे चीजें देते तो उनको लगता है कि वो गिफ्ट्स दे रहे हैं। लेकिन यूरोपीय लोगों की सोच अलग थी, वो अमीर बनना चाहते थे, वो यहां की कम्युनिटीज को गिफ्ट्स ना समझ के कम्युनिटीज समझते थे जो चीजें इससे लेते थे, और वो उनको बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहते थे यूरोप में। तो इसी तरीके से यहां पे दोनों की सोचें अलग, और इवन इनको तो मार्केट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि मार्केट होता क्या है। कई बार बेचारे सोच में पड़ जाते कि एक चीज के बदले कई बार तो हमें ये कम चीजें दे रहे हैं, कई बार हमें ज्यादा चीजें दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? उनको मार्केट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता था, और इनको तो गुस्सा आता था कि कैसे यूरोपीय लोग इतने लालची हैं, बुरे हैं, और इतने सारे जानवरों को मार रहे हैं। और एक दिन उनकी सोच ये थी कि जानवर उनसे बदला लेंगे, ऐसी सोच इनकी थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, फिर हमने देखा कि पहले ये लोग व्यापार के रास्ते से व्यापार करने आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहां पर रहने लगे। और ये लोग ज्यादातर लोग जो थे वो परसिक्यूटेड थे, जो प्रताड़ित थे वो यहां पर आके रहने लगे, और यहां पे आके एक नया जीवन जीने लगे और यहां के लोगों के ऊपर असर डालने लगे। इनकी सोच अलग थी। बेचारे नेटिव लोग सोचते थे कि एकदम बेहतरीन से जीवन जिया जाए, कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन ये लोग आयरन टूल्स के साथ आए थे और उन्होंने आसपास के जंगलों को काट दिया। नेटिव और यूरोपियाइयों के जंगल को देखने की अलग अलग परसेप्शन थी, हमने पढ़ी थी, ठीक है, बिल्कुल मैं एक बार रिविजन करवा रहा हूं। तो ऐसे में नेटिव लोगों को लगता था कि जंगल बढ़िया है, हमारे बेहतर है, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। यूरोपीय लोगों को लगता था कि फॉरेस्ट को काट देना चाहिए, जंगलों में कॉर्न फील्ड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और ऐसा ही एक सपना या ऐसी एक प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी यूरोपियाइयों की हमें पता चलती है, जो जेफरसन ड्रीम है उससे हमें पता चलती है कि जेफरसन कैसे यहां पर छोटे छोटे फार्म लगाना चाहते थे। लेकिन नेटिव लोग कभी ऐसी सोच नहीं रखते थे, बिल्कुल नेटिव लोग कभी ऐसी सोच नहीं रखते थे। वो सिर्फ अपने जरूरत की चीजें लेते थे, वो बेचने के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसे में जेफरसन बोलता था कि हमारी सोच अलग है, हम एक सिविलाइज व्यक्ति की तरह सोचते हैं, हम एक मॉडर्न व्यक्ति की तरह सोचते हैं, तो हम सिविलाइज हो गए बोलो। तो ऐसा प्रिसेप्शन था। तो यह मैंने करवाया था आप लोगों को कि कैसी इनमें सोच थी। ये लोग इनको अनसिविलाइज मानते थे, यूरोपीय अपने आप को सिविलाइज मानते थे। ये गुड्स को गिफ्ट्स के बदले में चेंज करते थे, ये गुड्स के बदले क्या लेते थे भाई, गुड्स के बदले ये गुड्स को गिफ्ट्स नहीं, ये कमोडिटी समझते थे। ये मार्केट के बारे में नहीं जानते थे, मार्केट के बारे में जानते थे। ये यूरोपियाइयों के लालचीपन से बहुत नाराज थे, लेकिन इनको कोई गलत नहीं लगता था, इन्होंने काफी जानवरों को मारा, ठीक है। नेटिव जो है वो अफ्रेड थे कि जानवर एक दिन ना एक दिन बदला लेंगे, लेकिन ये सोचते थे कि उनको काट दिया जाए, और काट दिया जाए तो जंगल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहां पे क्या होगा, फार्म प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अलग अलग तरीके से इनकी सोच
और अलग अलग सोच यहां पे दिखती हुई। ये जंगल को प्रोटेक्टेड करना चाहते थे, जंगल को काट के खेतों में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो चलिए भाई आगे और आज का टॉपिक करते हैं धमाकेदार तरीके से शुरू। गुड इवनिंग नैंसी, गुड इवनिंग माय डियर नैंसी। सो लेट्स मूव फर्दर, कनाडा एंड अमेरिका। जस्ट कम टू द पेज नंबर माय डियर ऑल ऑफ यू, सभी लोग पेज नंबर पे आ जाइए 220 पे। और 220 पेज पे अब देखेंगे कि कैसे जो आज का कनाडा आप देखते हो, आज का जो यूएसए देखते हो, वो कैसे बना। पहले वहां पे ट्राइब्स के आधार पे लोग रहते थे, कोई क्षेत्र वहां पे बना हुआ नहीं था, कोई मार्क था नहीं। लेकिन कैसे जो आज के देश के कनाडा या यूएसए आप देखते हो, कैसे बना भाई। यहां पे खूब सारा क्षेत्र उसमें आता है, लेकिन उसकी साइज कैसे बढ़ी, टेरिटरी कैसे बढ़ी भाई। यहां पे माना जाता है कि टेरिटरी उन्होंने बढ़ाई या तो वॉर करके या उसको जीत के, अलग अलग तरीकों से उन्होंने टेरिटरी बढ़ाई। जो आज के दिन के कनाडा या आज का दिन का यूनाइटेड स्टेट आप जानते हैं, ठीक है भाई। मदर कंट्री किसे, मदर कंट्री माय डियर श्रेया बोला जाता है जिस देश के से वो आए हैं। जैसे यूरोपियाई लोग आए हैं कहां से, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन उनका मदर कंट्री, कॉलोनाइजर कंट्री, उसको बोला जाएगा मदर कंट्री। तो कंट्रीज जो है वो यहां पे आज के दिन की जो कनाडा या यूएसए आप देख रहे हो, इसकी शुरुआत जो है वो बनने की शुरुआत हुई है 18th सेंचुरी के एंड में धीरे धीरे ये बनने लगे। ये धीरे धीरे उस समय जब ये उससे पहले सिर्फ बहुत कम क्षेत्र इसमें आता था, जो आज के दिन का इसमें आता है, बहुत कम क्षेत्र था जो यहां पे आता था। लेकिन अगले 100 सालों में धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ा, और कैसे बढ़ा, और ज्यादा टेरिटरी आने लग गई और जो प्रेजेंट साइज है उस तक ये पहुंचा। और प्रेजेंट साइज में आखिरकार पहुंचा था माय डियर एक साल में, 1892 में ये पहुंच गया था। 18th सेंचुरी के एंड में इसकी शुरुआत हुई और इसके करीबन 100 सालों में इसको समय लगा और ये पूरी तरीके से पूरा होगा। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो कैसे किया गया। अब अमेरिका कैसे बड़ा बना। लार्ज एरिया वॉज एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेस, बहुत सारा क्षेत्र जो है वो खरीद के बनाया गया। जैसे कई देशों का कब्जा था, धीरे धीरे सेटलर्स यहां पे बसने लगे और सेटलर्स जो है अपने आप को अमेरिकन टर्म आउट करने लगे कि हम तो अमेरिकन हैं। और उन्हीं अमेरिकनों ने बाद में अपना एक मजबूत देश बनाने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने कॉलोनाइजर कंट्री से या तो उस क्षेत्र को जीता युद्ध से या किसी परचेज से। जैसे यहां पे साउथ वाला जो क्षेत्र अमेरिका का है, अर्चना आई एम सेइंग माय डियर कि जो आज के दिन का अमेरिका आप देखते हो वो अमेरिका पहले नहीं था। थोड़ा सा कोई क्षेत्र था जो सेटलर जो थे ना वो बस गए। सेटलर ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इवन यहां पे देश भी उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। उन्होंने अपना देश अलग बना लिया, जो सेटलर्स यहां पे आए बाहर से और अपने आप को अमेरिकन बोलने लग गए। अब उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ा के बड़ा करने की कोशिश करी। अब कोशिश कर रहे हैं, कैसे किया, उन्होंने जो क्षेत्र अपना आगे बढ़ाया, सबसे पहले तो साउथ वाला जो क्षेत्र है अमेरिका का वो उन्होंने खरीदा है भाई, परचेज किया है, ब्रॉड लैंड भाई, उन्होंने पैसा दिया उसका कि तुम इसको छोड़ दो, ये हमें दे दो, जिसको लुइजियाना परचेज भी बोलते हैं, वो खरीदा गया। अलास्का वाला जो क्षेत्र है वो रशिया से लिया गया। तो कुछ तो खरीद के लिया, और वैसे नहीं माने तो कईयों से युद्ध किया, वॉर किया, जैसे साउदर्न यूएसए के लिए। साउदर्न यूएसए का कुछ क्षेत्र जो एक्वायर किया गया वो मैक्सिको, इनका पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क है, उससे युद्ध किया और युद्ध करके उसको एक्वायर किया, ठीक है। लेकिन एक चीज है,
ये अमेरिकन जो है, जो नए अमेरिकन आए, अमेरिकन किसको बोला जा रहा है, जो सेटलर आए हैं वो अपने आप को अमेरिकन बोल रहे हैं, हम अमेरिकन से, उन्होंने कभी भी वहां पे रहने वाले, उन क्षेत्रों में रहने वाले नेटिव लोग, जो लोकल लोग हैं, उनसे कभी रजामंदी नहीं ली कि भाई हम तुम्हारे क्षेत्र में बस जाएं, या हम तुम्हारे क्षेत्र को एक्वायर कर लें, या हम तुम्हें अमेरिका में मिला लें, यूएसए में मिला लें क्या, उनसे किसी प्रकार की कोई राय, मतलब ऐसे समझा गया स्नेहा वेलकम टू क्लास कि इनके तो कोई राइट ही नहीं है, इनके तो कोई राइट ही नहीं है, तो उनसे कभी कोई राय नहीं ली, बस ये तो एक देश बनाने में लगे हुए। और वेस्टर्न फ्रंटियर जो है यूएसए का, वो शिफ्टिंग बन रहा। कैसे शिफ्टिंग बन रहा कि जैसे जैसे ये एक्वायर करते रहे क्षेत्रों को, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे जो बहुत सारे क्षेत्र है माय डियर, जैसे आप देखोगे, जैसे वेस्टर्न फ्रंटियर वाला, वेस्ट वाला जो क्षेत्र है यूएसए का, वो शिफ्टिंग बन रहा। शिफ्टिंग बन कैसे रहा पता है, कि जैसे जैसे अमेरिके आगे अपना क्षेत्र बढ़ाते गए, इन नेटिव को बोलते गए, माय डियर पेज नंबर है 220, इन नेटिवों को बोलते रहे कि पूछे हटो पीछे हटो, मूव बैक मूव बैक। जैसे जैसे ये क्षेत्रों को एक्वायर करते रहे, नेटिव्स की कोई रजामंदी नहीं ली गई, इनको तो बेचारों को बेदखल कर रहे हैं उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से निकाल रहे हैं, उनको तो वेस्टर्न फ्रंटियर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उनको साइडलाइन कर रहे हैं उनको, नेटिव लोगों को, यही तो है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और धीरे 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 धीरे, जब आपको पता ही है अमेरिकन अमेरिका बना रहे हैं, अपना देश मजबूत बना रहे हैं, तो पूरी तरीके से जो पहले जो क्षेत्र हुआ करता था उसके, उसका कायाकल्प किया जाएगा, उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है, कायाकल्प किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा माय डियर नेटिव्स को माय डियर। तो जो जमीन अब अमेरिका की यहां पे इनके अंदर आने लगी, उसके अंदर परिवर्तन आने लगे 19वीं सेंचुरी में। आपको पता है नेटिव लोग बेचारे जमीन को कैसे देखते थे, नेटिव लोग जो हैं वो जमीन को बहुत अलग तरीके से देखते थे। आपको पता है कैसे देखते थे वो? अरे माय डियर नेटिव्स ऑलरेडी वहीं पे रह रहे थे, लेकिन वो काफी पहले से आ गए थे। अरे तानिया सुनिए, कहा गया कि जो आज के दिन का जो अमेरिका आप देख रहे हो, वो अमेरिका पहले जैसा नहीं था। वहां पे अलग अलग देशों का राज था, अलग अलग देशों की कॉलोनी थी, और उन कॉलोनियों को एक्वायर किया गया, कब्जा कर रखा था कईयों ने, या तो खरीद के या युद्ध करके। लेकिन उनमें रहते थे जो नेटिव लोग ना, उनसे कभी कोई राज नहीं ली गई, कोई राय नहीं ली गई उनसे कि भाई तुम रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। उनको तो साइडलाइन करते गए, साइडलाइन करते गए। और ऐसे में जो क्षेत्र, जो रीजन अमेरिका वालों लोगों ने एक्वायर किया है, जो सेटलर्स थे, जिनको अमेरिकन बोल रहे हैं अब हम, जो अमेरिकन, जो यूरोपियन सेटलर आए ना, उनको अमेरिकन बोल रहे हैं, अमेरिकन वहां के लोकल लोगों को नहीं बोला जा रहा। जो नए लोग यहां पे आए, सेटल हुए हैं, और अब वो इंडिपेंडेंट देश बना रहे हैं, उसको जो है वो यहां पे क्या किया जा रहा है, उसको यहां पे जो है वो सेटल कर रहे हैं, और वो एक्वायर कर रहे हैं, और एक्वायर कर रहे हैं तो उन्होंने क्षेत्र को बिल्कुल 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 रशिया और अमेरिका का स्ट्रेट क्रॉस करके, बिल्कुल सही, वो बहुत पहले की बात है। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर उसको पूरा परिवर्तित कर दिया। आपको पता है सेटलर लोग कैसे रहते थे? सेटलर लोग, सॉरी नेटिव लोग जो थे, बहुत अलग तरीके से रहते थे। जंगल में इतनी चीज लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी, बिल्कुल जमीन को कभी हार्म नहीं करना, कभी कोई नुकसान नहीं करना। लेकिन जो यूरोपियन यहां पे आए ना, वो जमीन को अलग तरीके से देखते थे। वो तो इस तरीके से देखते थे कि कैसे, जैसे होते ना हमारी आईज में डॉलर आते हैं, उनकी आईज में डॉलर दिखते थे, कि इनको तो पैसा दिखता था कि कैसे इस जमीन के ऊपर मक्का लगाया जा सकता है, कैसे इसके ऊपर, बिल्कुल माय डियर, कल इसकी, कल मैराथन है सेंट्रल इस्लामिक लैंड, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, कैसे पैदावार करी जा सकती है, सिर्फ वो तो इस तरीके से देखते थे। तो ऐसे में बहुत सारे भूखे भूखे लोग जो थे यूरोप से आके इन देशों में बसे थे, सुनेगा भाई, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो थे वो ब्रिटेन और फ्रांस से आए थे, वो काफी यंगर सन्स थे,
अपने पिताओं के यंग बेटे थे जिनको अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली थी, और पिता की प्रॉपर्टी अगर उनको नहीं मिलने वाली थी तो उनको तो चाहिए थी कोई जमीन। जैसे भाई हमें सोच के देखिए कि हमें कोई प्रॉपर्टी ना मिल रही और हमें कहीं सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए या हमें कोई जमीन मिल जाए सेटल करने के लिए, तो हम तो वहीं जाके सेटल हो जाएंगे। तो ये जो माइग्रेंट्स आए थे ना, नमस्ते वेलकम टू क्लास माय डियर सत्यम, जो माइग्रेंट्स आए ना वो लोग थे जिनको जगह नहीं मिल रही थी अपने वहां पे, उनके पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली थी, तो वो तो बहुत खुश थे कि भाई अमेरिका में चले, अमेरिका में जमीन हम एक्वायर करें। तो इसी वजह से खूब सारी भीड़ इमिग्रेंट्स की, बाहर से आने वाले यूरोप के देशों से आने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जर्मनी से, स्वीडन से, इटली से जिनकी जमीन छीनी थी ना, ठीक है, आपको याद है ना, जिनकी लैंड जो है बड़े बड़े फार्मर्स के पास चली गई थी, छिन गई थी या नहीं थी, वो लोग अब चाहते थे कि हमें भी कहीं ना कहीं फार्म हो, हम भी कहीं ना कहीं खेती कर सके। गुड इवनिंग स्वर्णिमा, हम भी कहीं ना कहीं खेती करना चाहते हैं। तो ऐसे में वहां पर उनको मिली जगह, अमेरिका में मिली उनको सस्ती जगह, उनको बढ़िया जगह मिल रही थी कि वो अब यहां पे अपना फार्म खेत बना सकते थे, यहां पे रह सकते थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग भाग भाग के, जैसे जर्मनी से, स्वीडन से, इटली से, यूरोप के ज्यादातर देशों से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, यहां नई जगह आए और नई जगह आके रहने लगे, उसके ऊपर भाग भाग के आने लगे। ऐसे ही लोग आए, सुनिएगा, ऐसे ही लोग आए हैं पोलैंड से। पोलैंड के लोगों को, आपको पता है पोलैंड के अंदर प्रेरीज, घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स है, जो सॉरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज, घास के मैदान है। तो पोलैंड के लोग जब यहां पे आए तो उन्होंने प्रेरीज के घास के मैदान देखे। थैंक यू सो मच विधान एंड वेलकम टू क्लास माय डियर, ठीक है, यस माय डियर, ये नोट्स फॉर्म में कर रखा है क्योंकि ज्यादा करवाना है, ठीक है, वो टैक्सी नोट फॉर्म में है मैडम। तो सुनिएगा, ये लोग क्या, मैं कोई भी पॉइंट नहीं लेफ्ट आउट करना चाहता, सुनिएगा। तो पोलैंड के लोग जब अमेरिका आए, या अमेरिका में जो प्रेरीज के घास के मैदान थे वो उनको उनके जैसे ही लगते थे, बोला ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे घर में भी तो स्टीप्स के घास के मैदान है, वो भी तो ऐसे ही है घास के मैदान, हाईलैंड है, यहां भी तो ऐसी जमीन, तो उनको बिल्कुल फेमिलियर लगी। जैसे हम कई जगह जाते तो अटपटा लगता है, तो मन नहीं लगता हमारा कि हम रहे कि नहीं रहे, हमारा मन नहीं करता है कि पता नहीं मन लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हमें घर जैसा, ठीक है, हमें घर जैसा अगर वातावरण मिल जाए, सोच के देखो कि भाई मेरे घर जैसा ही है, मेरे घर का जैसा तालाब है, मेरा गांव भी वैसा ही है, तो मैं आराम से रहूंगा। तो पोलैंड से भी बहुत सारे लोग यहां पर आए और बोले हम भी अमेरिका में रहेंगे। देखो कहां कहां से लोग आ रहे हैं, नेटिव लोगों को तो बेचारों को साइडलाइन कर रहे हैं, और यहां पर रोपे लोग आ रहे हैं, और ये लोग बहुत खुश थे कि भाई इनको बहुत सस्ते सस्ते जमीन पे खूब सारी जमीन मिल रही थी, और उनको ऐसी मिल रही थी जो उनको पसंद थी, उनके वहां जैसी लग रही थी, वहां पे उनको जमीन सस्ती मिलती रही और यहां पे उनको सस्ती सस्ती थोक के भाव पे जमीन मिल रही। तो खूब सारे लोग आए और यहां पे रहने लगे। वो यहां पे आए, उन्होंने सस्ते सस्ते जमीन खरीदी सस्ते सस्ते पैसों में, और आके क्या किया पता है, जमीन को साफ किया और एग्रीकल्चर वहां पे करने लगे, कृषि वहां पे करने लगे। क्या करने लगे, यहां पे कई प्रकार की खेती करने लगे, राइस और कॉटन की, जो उनके देशों में नहीं लग सकती थी क्योंकि उनके देश जो यूरोप के थे उनका एनवायरमेंट ऐसा नहीं था, ठीक है भाई, उनके देश जो थे उनका एनवायरमेंट नहीं था कि राइस और कॉटन लगा सके, लेकिन उनको तो बढ़िया जगह मिल गई कि यहां पर वो लोग राइस और कॉटन लगा सकते हैं, और राइस और कॉटन लगा के उसको वो आराम से खूब सारे प्रॉफिट के साथ मार्केट में बेच भी सकते। तो इसका मतलब तो उनको फायदा ही फायदा, एक तो उनके जैसे दिखने वाली जमीन उनको मिल गई सस्ते दामों पे, फिर यहां पे खेती मनमर्जी वाली कर सकते, हर मर्जी की फसल लगा सकते, और ऐसे में वाह 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 क्या बात है, तो ऐसे में वो फसल लग सकती है और प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, और उनको पैसा मतलब बेच के बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या किया गया,
ऐसे में क्या किया गया, उन्होंने जमीन पे जमीन ले डाली, खूब सारी जमीन यहां पे ले डाली। और इवन यही नहीं, उन्होंने अपने जब जमीन ही लिए, दिवाकर सही में मजा आ गया माय डियर, हमको इन फ्यूचर घूमना है कई सारा शहर, और सर आपका लुक है कति जहर। क्या बात है, क्या बात है, छा गए गुरु। सुनिएगा तो सुनिएगा, तो यहां पे अब उन्होंने तो बढ़िया आराम से जगह मिल गई जहां पे खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। अब आपको पता है खेत को खतरा होता है जानवरों से, खेत को या खेत में काम करने वाले लोगों को खतरा होता है जानवरों से, जैसे भेड़ियों से या माउंटेन में ले लॉयंस से, क्योंकि उतर के आ जाते, क्योंकि पहले वहां पे कौन लोग रहते थे, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे, जानवरों के क्षेत्र में जाते नहीं थे, जानवर आराम से अपना जीवन जीता। लेकिन ये जो यूरोपियन यहां पे आए या ये जो अमेरिकन यहां पे सेटल हुए नए नए बाहर के देशों से, वो उन जगहों पर रहने लगे जहां पे जानवर रहते थे। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने उन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया कि ना रहेंगे जानवर, ना ही होगा कोई हमारे ऊपर खतरा। तो उन्होंने जानवरों को इतना शिकार किया, इतना जानवरों को मारा, बाइसन को और वोल्स को और माउंटेन लॉयंस को सबको, कि एक समय तो इतना ज्यादा आया कि जानवर बेचारे बोले अब तो हम खत्म होने की कगार पे आ गए गुरु, जानवर एकदम खत्म होने की कगार पे आ गए। और फिर जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए उन्होंने बनाए बार्ब्ड वायर्स, तारबंदी नहीं करते अपने गांव में, या फिर आपने देखी होगी बॉर्डर्स पे तार होते हैं जिनमें करंट दौड़ता है, बिजली दौड़ती है, भाई ऐसे वायर्स यहां पे 1873 में लाए और अपने फार्म के चारों ओर लगा दिए, अपने खेत के चारों ओर उन्होंने लगा दिए ताकि खेत को प्रोटेक्ट किया जा सके, खेत को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसा ऐसा सेटलमेंट को एक्वायरमेंट रहा या एक्वायर किया किन्होंने, इन यूरोप के लोगों ने जिनको ही अमेरिकन बोला गया है। ठीक है, गुड इवनिंग रानी। तो ऐसे में समझ आया कि नहीं आया कि सारी चीजें कि किस तरीके से लोग आए, कैसे खेत खाली किया, कैसे फसलें करी, जानवरों को मारा, और इवन तार भी, तारबंदी भी यहां पर इन्वेंशन है करी। अब आओ स्लेवरी कैसे यहां पर बढ़ा, दास प्रथा यहां पे कैसे बढ़ा, फिर दास प्रथा हटा कैसे। जो साउथ वाला रीजन है यूएसए का, वो थोड़ा सा गर्म क्षेत्र है, वो कैसा है, गर्म क्षेत्र है, और गर्मी में तुम्हें पता है यूरोपीय लोग ठंडे क्षेत्रों में रहकर आए हुए होते हैं, तो उनको लगता है गर्मी से डर, या उनको लगती है खूब सारी गर्मी, तो लोग बाहर काम नहीं कर सकते। चाहे इवन देख लो हमारे इंडिया के अंदर जब क्रिकेट मैचेस खेलने आते हैं, जो प्लेयर्स आते हैं क्रिकेट मैच खेलने इंग्लैंड के इनके, तो बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं इवन गर्म दिन उसके अंदर गर्म वहां पे एनवायरमेंट में, ताकि वो रेजिस्ट कर सके हमारी यहां की गर्मी को। हमारे यहां पे मैच तो जीतना दूर की बात है, हमारे यहां की गर्मी को भी झेल पाना एक मुश्किल काम है यूरोपियों के लिए, क्योंकि हमारे यहां बहुत गर्मी है, हमारे यहां बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ऐसे में ही साउथर्न रीजन जो अमेरिका का है वो भी काफी गर्म था। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में वो खुद तो काम कर नहीं सकते, तो अब साउथ अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज थी वहां पे क्या किया पता है क्या, वहां पे नेटिव्स को बहुत बड़े पैमाने पे काम पे रखा गया कि आप लोग काम करो, आप लोग तो यहां रहते ही हो। लेकिन इतना ज्यादा काम नेटिव से करवाया गया कि बहुत सारे नेटिव लोग उससे मरने लगे। साउथ अमेरिका की जो कॉलोनीज थी वहां पे नेटिव से काम करवाया जाने लगा, और ऐसे में खूब सारे जो लोग हैं वो मारे जाने लग गए, मरने लग गए। तो ऐसे में उन्होंने बोला इनसे तो ना हो पाएगा, इनसे तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अब खेती तो करनी है, यूरोपियन को फायदा तो कमाना ही है, पैसा तो कमाना ही है। तो प्लांटेशन जो ओनर है उन्होंने दास मंगवाए, स्लेव्स मंगवाए, स्लेव ट्रेड किया। दास समझते हो ना, ऐसा व्यक्ति जो एक वस्तु की तरह खरीदा जाता है, स्लेव का व्यापार किया जाता है, लिया जाता है स्लेव को, और उससे सुनिएगा उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, बेचा जाता है, जिसने ले लिया
वो उसको खाना देता है, बोलता है काम करो, यहीं से तो स्लेवरी है। तो यहां पे गुड इवनिंग माय डियर रानी, वेलकम टू क्लास। तो ऐसे में स्लेव जो है उनको अफ्रीका से लाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा इवन कुछ नॉर्थ वाले क्षेत्र वाले साउथ वाले क्षेत्र में ऐसे मंगवाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो एंटी स्लेवरी ग्रुप्स थे जो ये चाहते थे कि स्लेव बैन हो जानी चाहिए, स्लेवरी बैन हो जानी चाहिए, स्लेव ट्रेड बैन हो जाना चाहिए या स्लेव व्यापार नहीं होना चाहिए। बोला स्लेव व्यापार एक बहुत गलत चीज है। लेकिन एक बार जो अफ्रीकन यहां पे आ गए यूएसए में, साउथ यूएसए में, उनको दास ही बोला गया और उनके बच्चे भी बोला दास ही रहेंगे, वो भी दास ही रहेंगे और दास की तरह ही काम करेंगे, एक स्लेव की तरह ही व्यापार करेंगे, स्लेव की तरह व्यापार नहीं काम करेंगे। बोला चाहे नया स्लेव पे तो व्यापार लग गया था, लेकिन स्लेवरी बैन नहीं हुई भी, स्लेव ट्रेड पे व्यापार पे बैन लग गया, मतलब कि स्लेव कोई बाहर से नहीं आएगा, लेकिन जो आ गए वो तो स्लेव रहेंगे ही रहेंगे, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। कौन से लोग विरोध कर रहे थे इसका, कौन से लोग विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे बिल्कुल माय डियर। तो ऐसे में बिल्कुल स्लेव्स को यूज करने लगे, ग्रेट माय डियर सेहत वेलकम टू क्लास। तो ऐसे में सुनिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लेव जो है, तो ऐसे में सुनिए, नॉर्दर्न स्टेट जो यूएसए वाले थे, साउथ वाले तो चाह रहे थे सेहत वेलकम टू क्लास, सेहत धामी में माय डियर, साउथ वाले तो चाह रहे थे कि स्लेवरी रहना चाहिए क्योंकि उनको तो स्लेव्स की जरूरत थी उनके खेतों पे काम करने के लिए। नॉर्थ वालों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उनको, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी थी वो डिपेंड ही नहीं करती थी स्लेव पे या प्लांटेशन पे, उनको तो कोई और ही काम था भाई, वो तो प्लांटेशन करते ही नहीं थे, खेती वेती करते ही नहीं थे, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं थी नायरा, ग्रेट, उनको जरूरत ही नहीं थी, बोलता ना तो हमें चाहिए स्लेवरी और ना ही हमें चाहिए किसी प्रकार का कोई ऐसा स्लेव व्यापार करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, बोला हमें तो नहीं चाहिए, एंड होनी चाहिए स्लेवरी। तो उन्होंने बताया कि स्लेवरी बहुत बुरी चीज है, बोला स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और कहते थे कि स्लेवरी बंद हो जानी चाहिए, दास प्रथा बंद हो जानी चाहिए, दास प्रथा बंद हो जानी चाहिए। तो एक युद्ध चला, एक युद्ध चला, एक वॉर चला, एक देश बोल रहा था स्लेवरी रहना चाहिए और एक देश बोल रहा था स्लेवरी खत्म हो जाना चाहिए, स्लेव ट्रेड बंद हो जाना चाहिए, स्लेव ट्रेड ही नहीं, मतलब कि यहां पे पूरी तरीके से सारा कुछ ही बंद हो जाना चाहिए। तो 1865, 61 और 65 के बीच में एक वॉर छिड़ गया, और वॉर छिड़ गया किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में, किसमें, नॉर्थ और साउथ वाले में, बिल्कुल माय डियर, नॉर्थ और साउथ वाले में वॉर छिड़ गया, किसको लेके, कि भाई नॉर्थ स्टेट बोला कि यहां पे स्लेव ट्रेड बैन होना चाहिए या स्लेवरी बैन होनी चाहिए, और वो साउथ वाले बोल रहे थे कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई, आखिरकार जीत हुई किसकी, नॉर्थ वालों की, आखिरकार जीत हुई नॉर्थ वालों की, जो चाहते थे कि स्लेवरी बैन हो जानी चाहिए, स्लेवरी का अबोलिशन चाहते थे, दास प्रथा को बंद करना चाहते थे, जीत उन्हीं की ही हुई और स्लेवरी आखिरकार अबोलिश कर दिया गया, स्लेवरी आखिरकार एंड कर दिया गया। लेकिन स्लेवरी एंड हुआ है, भेदभाव एंड नहीं हुआ है, अभी तक उनको अधिकार नहीं दिए गए, दास प्रथा बैन हुई है, अभी तक उनको लोगों को अधिकार नहीं मिले, अभी तक सिर्फ उनको अधिकार नहीं मिले, सिर्फ स्लेवरी बैन हुई है। और स्लेवरी का बैन का मतलब यह नहीं है कि अभी लोगों को उनको डायरेक्टली अधिकार दे दिए, उनको आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाने लग गया, नहीं, स्लेवरी अबोलिश होने का मतलब यही है कि अभी भी उनको कोई अधिकार नहीं मिले। और 20th सेंचुरी तक, मैं बता रहा हूं 20वीं शताब्दी तक भी अफ्रीका में रहने वाले जो अमेरिकन स्लेव, उससे पहले तक उनको कोई अधिकार कोई राइट नहीं मिले थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उन लोगों को एक अलग क्षेत्र में रहना पड़ता था, उनका क्षेत्र अलग, उनके भेदभाव अलग, उनको व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स में डिफरेंस किया जाता था, और व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स की स्कूलें अलग थी, उनकी बसें अलग थी,
उनकी स्कूलें अलग थी, उनका बसे अलग था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। सोच के देखो, उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। और सोच के देखिए कि कितना ज्यादा बुरा बर्ताव उनके साथ हुआ होगा, कितना भेदभाव हुआ होगा। ये आखिरकार एंड हुआ 20th century में। जो पढ़ोगे आप आगे, वहां पढ़ोगे जब विंड ऑफ चेंजेस वाला आएगा, विंड ऑफ चेंजेस वाला आएगा। तो ये थी कहानी किसकी, अमेरिका की, कि अमेरिका कैसे फॉर्म किया गया, अमेरिका कैसे बनाया गया। अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे लोग थे, कौन कहां पे रहते थे, किस तरीके से रहते थे। उधर कनाडा की अपनी खुद की प्रॉब्लम थी, कनाडा की फॉर्मेशन की अपनी खुद की कहानी है। कनाडा जो है, कनाडा की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी। क्या प्रॉब्लम थी पता है, कनाडा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी जो सुलझ नहीं रही थी, वो ये थी कि विच सीम मोर अर्जेंट देन क्वेश्चन ऑफ द नेटिव। उनको नेटिव की तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, नेटिवों का तो उनके लिए समय ही नहीं है। बिल्कुल 11 साइड एंड 2 टेरिटरीज इन कॉन्फेडरेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल मैडी, उनको तो सोचने का समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या हुआ, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, एक समस्या उनके सामने आ रखी थी। वो क्या थी, क्विज कर रहे मैडी, एक बड़ी समस्या क्या थी कि कनाडा जो है वो ब्रिटिश ने जीता था फ्रांस से, किसके बाद में, वॉर के बाद में, युद्ध हुआ 1763 में। और युद्ध होने के बाद में कनाडा जो है वो जीत लिया गया, सुनेगा, कनाडा जीत लिया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा, फ्रांस से। लेकिन एक तो दिक्कत क्या थी, आपको याद है कनाडा को एक्वायर कर रखा था फ्रांस ने, और वहां पर लैंग्वेज भी थी उनकी, वहां पर लैंग्वेज भी थी फ्रेंच, याद है ना। तो फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो कि कितने बड़े पैमाने पे यहां पे फ्रेंच कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, फ्रेंच सेटलर्स यहां पे आए होंगे, यहां पे लाला के यहां पे बसे होंगे, बहुत ज्यादा लोग यहां पे आ रखे थे। तो प्रॉब्लम ये थी, वो भी करवाएंगे माय डियर, प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच सेटलर जो थे वो मांग कर रहे थे, भाई हमें तो ऑटोमनस पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए, हमें तो हमारे यहां स्वतंत्र फ्री पॉलिटिकल स्टेटस से ही, हम तो फ्री रहना चाहते हैं, हम आपके अंडर नहीं रहना चाहते, आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। वो नहीं रहना चाहते थे ब्रिटिशर के अधीनस्थता में या उनके अंडर, वो ऑटोमनस स्टेट चाहते थे, पॉलिटिकल स्टेटस चाहते थे। और बहुत लड़ाइयां चली, बहुत लड़ाइयां चली 1763 से लेके आखिरकार ये सोल्व हुआ 1867 में। 1867 में जब कनाडा को एक ऑटोमनस स्टेट्स का दर्जा दिया गया, बोला गया कि इसमें स्टेट्स हैं और वो ग्रुप है, गुट है, लेकिन उसमें सारे स्टेटों को अलग अलग अपना ऑटोमनस दर्जा है, स्वतंत्र दर्जा है, जैसे अमेरिका में है। तो अलग अलग स्टेट्स यहां पे उनका कॉन्फेडरेशन है, ग्रुप है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म ये है, और जहां पर हर एक स्टेट को इक्वल दर्जा दिया हुआ है, तब जाके प्रॉब्लम सोल्व हुई, तब जाके फ्रेंच लोग यहां पे शांति से बैठे। नेटिव के बारे में तो कोई सोच ही नहीं है। ऑटोमनस का मतलब स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी का जोर ना हो, किसी प्रकार का कोई उसको कंट्रोल करने वाला ना हो, जैसे जो फ्रेंच सेटलर वाला क्षेत्र था, अगर ब्रिटिशर के अंडर रहे तो ऑटोनॉमी नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं। लेकिन फ्रीडम का मतलब, ऑटोमनस का मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम का मतलब किसी का कंट्रोल उन पे ना रहे, वो अपना क्षेत्र अपने आप चलाए। माय डियर रानी, गॉट इट और नॉट माय डियर? तो इसलिए वो आखिरकार तब जाके वो प्रॉब्लम सोल्व हुई। लेकिन इस दौरान याद है, इस दौरान सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी के साथ हुआ तो वो हुआ नेटिव लोगों के साथ। सबसे बुरा हुआ नेटिव लोगों के साथ। दैट्स व्हाई फ्रेंच गेट इन्वॉल्व्ड इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। बिल्कुल करेक्ट, सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ तो वो हुआ किसके साथ, नेटिव लोगों के साथ। चलो पोल कर ले, क्या पोल कर ले, चलो चलो चलो, लेट्स डू द पोल एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से मेरे साथ मजेदार तरीके से पढ़ सकते हैं इतिहास और आ सकते हैं अन अकेडमी प्लस पे। अन अकेडमी प्लस एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जहां पे आप
मेरे साथ कर सकते हैं एक अच्छी तैयारी रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली आप लोग मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं अच्छी, और तैयारी जीत की तैयारी। तो चलिए बताइएगा, पहला क्विज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है माय डियर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए, पोज चलेगा जल्दी से जल्दी करेंगे, 2:07:20 हो रहा है अभी, 5 to 7 मिनट और चलेगा, पोल यहीं पे होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए माय डियर। ये क्लास चलेगी 8:10 तक ये क्लास चलने वाली है, जल्दी बताइए, क्योंकि मैं आज मैक्स टू मैक्स टॉपिक कवर करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कवर करवाना चाहता हूं, बेहतरीन से, बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा कि नेटिव लोगों की जमीन कैसे छीनी, इसको पूरा आपको करवा दूं, नेटिव लोगों के साथ क्या बुरा बर्ताव हुआ। तो कंट्रीज दैट आर नोन इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस में कम आने लगे। यस, आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट मेकिंग इट राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। तो ये राइट आंसर आएगा 18th century, 18वीं शताब्दी, ग्रेट सुपर। आई कैन सी ऑल ऑफ द स्टूडेंट, रानी, बबीता, वर्षा, रजत, मदेश, साक्षी, उज्जवल, जो है रानी, बबीता, याद, सुमन, अमित यादव, विधान, नायर, राय, ग्रेट। राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा 18। अरे वाह पार्थ, ग्रेट, बबीता, तानिया, राइट आंसर होगा 18th century। ओके, गॉट इट माय डियर, गॉट इट, यू नो दैट, आपने पढ़ा और आपको अच्छे से आया। चलिए, अलास्का, अलास्का जो टेरिटरी है, अलास्का जो क्षेत्र है वो अमेरिका ने खरीदा, जो अमेरिकन यहां पे आने लग गए और अमेरिकनों ने उसको खरीदा, किससे खरीदा, जल्दी बताइएगा, मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए। अलास्का इज परचेज बाय अमेरिका फ्रॉम, अलास्का लिया गया है अमेरिका के द्वारा किससे, जल्दी 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 करो, जरा है आपके आंसर का इंतजार, जल्दी करिए, जल्दी बताइए। अरे रे रे, क्या बात है, अमित यादव, रजत, ग्रेट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज आई कैन सी यहां पे 18 लाइक्स आर देयर, 17 आर वॉचिंग नाउ, 17 आर वॉचिंग नाउ, इट मींस आपने अभी तक लाइक नहीं किया है काफी लोगों ने, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और फिर आगे बढ़े, जल्दी से आंसर भी दीजिए। आंसर में देख सकता हूं यहां पे विधान रोशन सही दे रहे हैं, उज्जवल सही दे रहे हैं, अमित सही दे रहे हैं, साक्षी तिवारी सही दे रही है, रानी, बबीता, वाओ ग्रेट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर राइट। अलास्का जो क्षेत्र इंक्लूजन किया गया, जो क्षेत्र को एकत्रित करने की जो यहां पे दौड़ चली हुई अमेरिका की, जिसमें क्षेत्रों को बड़ा करने का, या अमेरिका को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है, वो परचेज से भी किया जा रहा है, युद्ध से भी किया जा रहा है, और यहां पे अलास्का लिया गया रशिया से, अलास्का जो है वो लिया गया रशिया से, ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन, इमिग्रेंट्स, मैंने बताया बहुत सारे इमिग्रेंट्स क्षेत्रों में आए, अमेरिका में रहने लग गए, बस गए, वो कहां कहां से आए, बिल्कुल वही तो बोल रहा हूं, बहुत ना इंसाफी है, बहुत ना इंसाफी है, मतलब देखिएगा और लाइक नहीं करिएगा, ठीक है। तो जल्दी 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 उसको मुझे बताइए, इमिग्रेंट्स केम फ्रॉम कंट्रीज लाइक, इमिग्रेंट्स कहां से आए, इमिग्रेंट्स, जल्दी बताइए, जल्दी, मेक इट फास्ट माय डियर। इमिग्रेंट्स केम फ्रॉम कंट्रीज लाइक डी, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल भरमार आया था, खूब सारे लोग आए थे, फ्रांस में अगर मैं लिख दूं, ब्रिटेन भी अगर मैं लिख दूं तो वहां से भी आए थे, पोलैंड भी अगर मैं लिख दूं तो पोलैंड से भी आए थे, ठीक है, ऑल मतलब इमिग्रेंट जो है, जर्मनी से भी आए, स्वीडन से भी आए, इटली से भी आए, हर एक जगह से आए, बहुत सारी जगह से आए हैं, क्या बात है, मजा आ गया। ये है पोल का धमाका, ये है हिस्ट्री जो आप क्रिएट कर रहे हैं भाई, हिस्ट्री पढ़ा के मजा आ रहा है आप सब लोगों को, और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं 12th तक आते आते तुम लोग इतना परफेक्ट हो जाओगे, इतना बेहतर हो जाओगे कि तुम्हारा हिस्ट्री एकदम टॉप रहेगा तुम्हारे स्कूल में, तुम जहां से भी हो वहां से।
और मैं यही चाहता हूं कि हिस्ट्री आपका फेवरेट बन जाना चाहिए, हिस्ट्री से आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है माय डियर। कल मॉर्निंग वाला मैं सोच रहा हूं, एक बार इवनिंग में भी सोच सकता हूं, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप काफी लोगों का स्कूल है, द इश्यू इज दैट। चलिए बताइए भाई, जानवरों से क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक तार आया था जिसको बोला गया था बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर यहां पे आया था, और बार्ब्ड वायर जो है वो जरा बताएंगे मेरे को कि कहां से आया है, बार्ब्ड वायर जो है वो कहां से आया है, जरा बताओ मेरे को कि बार्ब्ड वायर जो है वो कहां से आया है, जल्दी 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 बताइएगा। बताइए सर, एक्सप्लेन अगर कनाडा प्रॉब्लम, बिल्कुल कनाडा की प्रॉब्लम दोबारा बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। बार्ब्ड वायर किस साल में आया, बार्ब्ड वायर आया 1873 में। माय डियर एक सब्जेक्ट का नहीं ले सकते, आपको लेना पूरा का पड़ेगा और उससे सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री तो पढ़ोगे, वो भी आप पढ़ोगे, बिल्कुल अमित मैं आंसर दूंगा, आपका आंसर सोल्व करूंगा मैं आखिर में, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर से दोहरा दूंगा आपके लिए कनाडा की क्या प्रॉब्लम है। कनाडा की प्रॉब्लम यह थी कि कनाडा पहले कनाडा जो था फ्रांस वालों के अंडर था, लेकिन उसके बाद में यहां पे 1763 में उसको एक्वायर कर लिया, अमित सुनना, उसको एक्वायर कर लिया किसने, एक्वायर कर लिया ब्रिटेन ने। तो यहां पे बहुत दिक्कत चल रही थी, दिक्कत यह चल रही थी कि जो स्टेट थे वहां पे, जो डोमिनेटिंग लोग थे वो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के सेटलर थे, वो मांग कर रहे थे कि भाई हम तो इनके अंडर नहीं रहेंगे, हमें तो पॉलिटिकल क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटस स्वतंत्र चाहिए, हम तो हमारे स्टेट में स्वतंत्रता चाहते हैं। तो बात यह आई कि कनाडा को बनाया कैसे गया, कनाडा बना बड़ा बनाया गया, लेकिन कनाडा को कॉन्फेडरेशन बनाया गया ऑटोनॉमस स्टेट का, मतलब एक ग्रुप बनाया गया कमिंग टुगेदर स्टेट वाला, जिसमें हर एक स्टेट को स्वतंत्रता अपनी इंडिपेंडेंस दी गई, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस दी गई। हैव यू गॉट इट माय डियर। अब अगला देखिए, प्लांटेशन ओनर ब्रॉट स्लेव फ्रॉम, प्लांटेशन जो ओनर्स है वो दास कहां से लाए, प्लांटेशन ओनर जो हैं, बार्ब्ड वायर का मतलब होता है ऐसे तार जिनमें ऐसे तार होते हैं ना, तार उसके लोहे के जिनमें बिजली चलती है, कांटेदार होते हैं जिनमें इवन वो बिजली भी चला देते थे ताकि कोई जानवर अगर घुस ना पाए। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कोई इशू नहीं है। वाह वर्षा, तानिया, बबीता, लॉट ऑफ स्टूडेंट, मार्क यू विल राइट। प्लांटेशन ओनर ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम, दास लेके आए कहां से, वाह ग्रेट, रानी, आराधना, बबीता, नायरा, साक्षी तिवारी, ऑल ऑफ देम आर मार्किंग। प्लांटेशन ओनर जो साउथ वाले क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए लाए गए, वाह ग्रेट है। अरे वो नहीं हरा दिया ना उसे, एक युद्ध में हरा दिया, उसका डोमिनेंस खत्म कर दिया अमित, युद्ध में हरा दिया, लेकिन काफी क्षेत्र थे जहां पे फ्रेंच सेटलर्स वहां पे बसे हुए थे, उन्होंने बोला हम तो इनके अंडर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में वहां पे हर एक स्टेट को खुद की इंडिपेंडेंस दी गई ताकि कोई दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल वॉर स्लेवरी के खिलाफ अमेरिका में किस साल में शुरू हुआ, अमेरिका में, दो मिनट और क्विज चलेगा 7:30 तक और फिर आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक पे, जल्दी बताइए सिविल वॉर अमेरिका में स्लेवरी के खिलाफ कब शुरू हुआ। बिल्कुल 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 भाई हमें, जब इंडिया और इंडियन ज्यादा तो ब्रिटिश कैसे डोमिनेट हुए, बिल्कुल बिल्कुल ओके सुनिएगा, सिविल वॉर जो है अमेरिका में स्लेवरी के खिलाफ कब शुरू हुआ, यह आखिरी क्वेश्चन, यह आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं देखता हूं नेटिव लोगों को बेचारों को कैसे हटाया गया था। आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट माई डियर, आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट मार्किंग इट राइट एंड दे आर मार्किंग इट ए ग्रेट मैन, क्या बात है, बिल्कुल स्पीड अपना 1.5 ही है माय डियर, स्पीड अपना तेज ही है, अभी चल अभी आगे बढ़ेंगे ना। तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बी 1861 होगा यहां पे सही आंसर,
बी 1861, 1861 होगा यहां पे सही उत्तर, सही आंसर। ठीक है, सही आंसर होगा बी 1861। क्या बात है। तो चलिए फिर, बहुत सारा टॉपिक हो चुका है वैसे क्विज में भी, और आपको मजा भी आया होगा मुझे उम्मीद है, पर अब अपने को आगे बढ़ने का वापस और आगे करने का टॉपिक को। चलिए लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब नेटिव्स मैंने पढ़ाया ना कि कैसे यहां पे कहने का मतलब, नेटिवों के बारे में तो सोचा नहीं गया और देश बनाया जा रहा है, और नॉर्थ अमेरिका में कैसे नेटिव लोगों की जमीन छिनी या जमीन गई। तो चलिए आगे पढ़ें, बिल्कुल 65 तक एंड हुआ था, 65 में एंड हुआ, आखिरकार स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया। अब नेटिव लोग जो हैं उनकी जमीन कैसे गई, जो नेटिव लोग नॉर्थ अमेरिका थे उनकी जमीन कैसे छिनी। भाई आपको पता है यूएसए के अंदर जो नेटिव लोग थे वो पहले से रह रहे थे, लेकिन यहां पे सेटलर्स आए, यूरोपियाई आए, उन्होंने वहां के नेटिव लोगों को वहां से बेदखल कर दिया या वहां से निकाल दिया। अभी 30 मिनट और चलेगा माय डियर। वहां से उनको बेदखल कर दिया, वहां से निकाल दिया, कैसे, या तो उनसे संधियां कर ली, एग्रीमेंट होता ना, जमीन का एग्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, या फिर भाई उनसे ट्रीटीज करवा ली, या उनकी जमीन खरीद खरीद के। भाई सीधे साधे लोग थे, भोले भाले लोग थे, उनको बातों में बहला फुसला लिया, और बहला फुसला के आ जाओ बोला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमें जमीन दे दो। तो बहुत गलत गलत तरीकों से उनको बहुत कम कम पैसा दे दे के, ट्रीटीज कर करके, एग्रीमेंट कर करके, बहुत क्षेत्रों में उनको, उनके क्षेत्रों को ले लिया गया, उनकी जमीन को छीन लिया गया। जो प्राइस उनको दी गई वो काफी कम थी, और कई केसेस में तुमने पता क्या देखा कि जो अमेरिकन लोग, अमेरिकन किन के लिए यूज किया गया ये बताओ मेरे को, अमेरिकन वर्ड समझ जाओगे सब समझ जाओगे। अमेरिकन जो है उन्होंने नेटिव लोगों के साथ पता क्या किया, वहां के लोकल लोगों को अमेरिकन नहीं बोला गया, वहां के लोकल लोगों को इंडियन बोला गया है, इंडियन बोला गया है, वहां के नेटिव्स को इंडियन बोला गया है, और अमेरिकन बोला गया है पता है किसको, अमेरिकन बोला गया है सेटलर्स को, जो बाहर से आए और यहां पे बस गए, यूरोपियाई सेटलर्स, यूरोप के सेटलर्स जो यहां पे आए। ठीक है, तो सेटलर ने पता है क्या किया, सेटलर ने माना जाता है क्या किया कि जो अमेरिकन थे जो यहां से यूरोप से आके रहने लगे थे, उन्होंने उनके साथ चीटिंग करी, जैसे बोलते ना भाई चीटिंग करता है तू, तो उन्होंने चीटिंग करी, कैसे, जमीन तो ले ली ज्यादा, जमीन तो ले ली ज्यादा और पैसा दिया कम, क्योंकि लोग बहुत सीधे थे, पैसा दे दिया, बोला इतना होता है और इतने में इतनी जमीन होगी। नाप नूप के कहने का मतलब बिल्कुल माय डियर, नाप नूप के या फिर पैसे दिए कम और जमीन ले ली ज्यादा, चीटिंग करी उनके साथ, धोखा धड़ी करी। अरे इंडियंस मींस लोकल इनहेबिटेंट्स माय डियर, जो उस क्षेत्र के इंडिजीनियस, तो सुनिएगा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां पे बहुत उनके साथ धोखाधड़ी हुआ, बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी जमीन ले ली। इवन जो यहां पे हाई ऑफिशियल्स थे उनको भी कुछ गलत नहीं लगता था, जो हाई ऑफिशियल्स थे जो अमेरिका के, मतलब जो सेटलर्स थे वही हाई ऑफिशियल्स थे जो यहां पे थे। मडियर पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन आपको अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएगा, अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल में मिल जाएगा, वहां देख लो, वहां पे मैंने अभी सेशंस कवर करे 3 पार्ट, और अभी उसके पार्ट आगे कवर करने वाला हूं, सुनेगा। तो यहां पर नेटिव जो है उनको बेचारों को डिप्राइव कर दिया, और हाई ऑफिशियल्स को भी कुछ गलत नहीं लगा, बड़े बड़े लोगों को भी, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी कोई गलत नहीं लग रहा कि उनकी जमीन छिन रही है, उनसे जा रही है, क्योंकि वो तो सारे के सारे सेटलर थे, वो तो सारे के सारे यूरोपियाई थे, उनको क्या गलत लगा। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको इसके लिए, एक एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे बेचारे नेटिव ट्राइब, नेटिव लोगों को कैसे उनके क्षेत्रों से हटाया गया, जबकि वो बहुत सीधे थे, उन्होंने बोला कि तुम जैसे चाहते हो हम वैसे रह लेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया, उनको साइड हटा दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिए गए।
जैसे चेरोकी ट्राइब है भाई, जॉर्जिया का एक इंसिडेंट देखो, जॉर्जिया एक जगह है कहां पे, अमेरिका में, ठीक है, जॉर्जिया जो है वो एक जगह है कहां पे, अमेरिका में, एक स्टेट अमेरिका का। तो जो जो है एक इंसिडेंट बताते हैं वहां का ऑफिशियल्स जो है वो कहते हैं कि चेरोकी जो ट्राइब है वो स्टेट लॉज के अंदर ही काम करेगी भाई, ठीक है भाई। अमेरिका के जो लॉज है, जॉर्जिया स्टेट है कहां का, अमेरिका का, तो अमेरिका के लोग तो लगेंगे भाई जॉर्जिया पे, जॉर्जिया में रहने वाले लोगों पे भी, या चेरोकी पे भी, लेकिन लॉ तो लगेंगे लेकिन उनको अधिकार नहीं देंगे। सोच के देखो ये कहां का है भाई, सोच के देखो ये कहां का कोई वो हुआ अधिकार हुआ। बोला जॉर्जिया अमेरिका का स्टेट है और वहां पे अमेरिका के लॉज काम करेंगे और चेरोकीज पे भी लॉज काम करेंगे, लेकिन उनको राइट नहीं दिए जाएंगे, उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सोच के देखो, जबकि मैं तुम्हें बताऊं ये बहुत सीधे लोग थे। जब अमेरिकन यहां पे आए ना, सुनिएगा, जब यहां पे सेटलर्स यहां पे थे या यूरोपीय यहां पे थे, वो जल्दी माय डियर वो भी आएगा अपने अनअकैडमी ऐप पे ही आएगा, स्पेशल में ही आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं अनअकैडमी ऐप पे चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, अप्लाई करिएगा रेफर कोड AJYD10 या डी लाइट क्लास को एसेस करने के लिए। भाई चेरोकी जो लोग, उनको बेचारों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। जबकि तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, ये वो नेटिव लोग थे जिन्होंने बहुत अपने आप को पता कैसा बनाने की कोशिश करी, जैसा यूरोपीय चाहते थे वैसा। उन्होंने बोला ये लोग हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, उन्होंने बोला ये हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, उन्होंने बोला हम पहन लेंगे जी, नेटिव लोग हैं, बोले हम पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कपड़े पहन लेंगे आपकी जैसे। आप इंग्लिश बोलते हो, हम भी इंग्लिश बोल लेंगे, ठीक है। आप अमेरिकन लाइफ जीते हो या मॉडर्न लाइफ जीते हो, हम भी वैसी लाइफ जी लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, उनको नकार दिया गया, कोई अधिकार देने से इनकार कर दिया गया। सोच के देखो कि भाई वही तो, कोई अधिकार उनको नहीं दिए गए। 1832 का तो एक इंसिडेंट में बहुत बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आएगा जब नेटिव लोगों के अधिकारों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से छीना जाएगा। तो देखना क्या होगा। 1832 में यूएस के चीफ जस्टिस थे। अब देखो भाई, न्याय करने वाले तो न्याय करने वाले ही होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं कुछ और कुछ बुरे भी होते हैं। तो यहां पे जजमेंट दिया यूएस चीफ जस्टिस ने, जॉन मार्शल ने, 1832 में। और उन्होंने बोला, सुनिएगा, उन्होंने बोला, जॉन मार्शल ने बोला कि चेरोकी जो है वो एक, जो चेरोकी है वो एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, एक अलग कम्युनिटी है, ये डिफरेंट कम्युनिटी है और इनके ऊपर इनका खुद का टेरिटरी है, बोले इनका खुद का क्षेत्र है, जो जॉर्जिया है वो इनका क्षेत्र अलग है इनका। और ऐसे में जॉर्जिया के अंदर जो जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उस क्षेत्र पे जॉर्जिया के कानून नहीं लगेंगे, जैसे अमेरिका वाले बोल रहे थे कि इन पे भी लगेंगे अगर ये हमारे में रहते हैं। तो इसने तो बढ़िया जजमेंट दिया कि भाई ये लोग फ्री रह सकते हैं, इनका ऑटोनॉमस स्टेट है, इनका क्षेत्र है वो। तो ऐसे में उसने तो बढ़िया ही लो दिया कि कोई काबू नहीं चलेगा, कोई लो नहीं चलेगा, और उनकी स्वतंत्रता है, उनकी खुद की सोवरेनिटी है, बोला उनको इंडिपेंडेंस है उनकी, उनके ऊपर हम काबू नहीं लगा सकते। उसने ये बोला, यूएस चीफ जस्टिस ने बोला, जॉर्जिया के अंदर जो क्षेत्र के अंदर जिसमें चेरोकीज रहते हैं, लोकल ट्राइब के लोग रहते हैं, उस पर हमारा कोई काबू नहीं है, वो फ्री है वो लोग। लेकिन सोच के देखो एक व्यक्ति कितना भेदभाव कर सकता है। यूएस का प्रेसिडेंट जो है एंड्रू जैक्सन, जो बहुत बढ़िया मान आदमी माना जाता है, जो कहा जाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, राजनीति के प्रिविलेजेस के लिए लड़ाई लड़ता है, वोटों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस के लिए लड़ाई लड़ता है कि हर किसी को पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, इकोनॉमिक राइट होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति ऑर्डर कर दे कि मैं नहीं मानता इस चीफ जस्टिस के फैसले को, सोच के देखो क्या होगा, खत्म है दुनियादारी।
यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने बोला, जैक्सन ने बोला कि मैं यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल का दिया हुआ फैसला, जिसमें वो अधिकार दे रहा है चरोकी क्षेत्र को, फ्रीडम दे रहा है चरोकीज वाले क्षेत्रों को, उसको नहीं मानता, नहीं मानता, और वो चरोकीज का क्षेत्र है नहीं। सोच के देखो, ठीक है भाई, वो अभी तो मैं पटरेज नहीं हूं, वो मैं दिखा दूंगा आपको अगली क्लास में। तो सोच के देखो ये कहां का न्याय है। उसने जजमेंट को मानने से मना कर दिया, ठीक है। उसने जब इंडियंस की बात आई, यहां पे लिखा हुआ इंडियंस की, और इंडियंस का मतलब है किसकी बात आई, चेरोकीज की बात आई, वो एक अलग व्यक्ति बन गया, बोला मैं तो नहीं अच्छा आदमी हूं, मैं तो बुरा आदमी हूं। और उसने तो बोला कि मैं नहीं मानता उसके फैसले को, मैं उसके जजमेंट को नहीं मानता, और मना कर दिया और ऑर्डर कर दिया यूएस आर्मी को कि खाली करवाओ चेरोकीज से वो क्षेत्र। बहुत बढ़िया माय डियर, बोला जो चेरोकीज हैं उनसे खाली करवाओ क्षेत्र, उस पर उनका कोई कब्जा नहीं है। यूएस आर्मी से फोर्सफुली तरीके से, जबरदस्ती से उनसे क्षेत्र खाली करवाया गया, और उन बेचारे लोगों को पता है किधर भेजा, उन लोगों को भेज दिया गया ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर, बोलो भागो यहां से, जाओ एकदम बेकार जगह पे, उनको भेज दिया अमेरिकन डेजर्ट की ओर। और इवन मैं तुम्हें बताऊं, उनको वहां भी आराम से नहीं रहने देंगे, देखना अगर वहां भी इनको लगेगा कि कुछ मिलने वाला है तो वहां से भी इनको भगा देंगे। और कम से कम माना जाता है कि चेरोकी ट्राइब के 15,000 लोगों को वहां से खाली करवा के जगह, लोकल लोगों को, इनहेबिटेंट लोगों को। गीतांजलि वेलकम टू क्लास माय डियर, बहुत मजेदार क्लास थी और चल भी रही है। कितना बुरा बर्ताव हुआ सोच के देखो, 15,000 लोगों को जबरदस्ती आर्मी ने भगा दिया, और इतनी बुरी यात्रा होती, इतना बुरा सब कुछ था, या इतने ही ज्यादा लोग वहां पे मारे गए, 1/4 सोच के देखो, 1/4 निकाल लो 15,000 का, अराउंड आ जाएगा 3.5 के अराउंड, 3,500 लोग तो मारे गए रस्ते में ही। इसीलिए बिल्कुल चेरोकीज को भेजा डेजर्ट की ओर, इसीलिए उसको खूनों की राह या ट्रायल ऑफ टीयर भी बोला जाता है, कि जिस समय लोग रोए, जिस समय लोग खूनों की नदियां चली, मतलब खूब लोग उस समय मारे गए। सोच के देखो कितना बुरा बर्ताव किया गया लोगों के साथ, सोच के देखिए कितना बुरा बर्ताव किया गया। इन लोगों को डेजर्ट की ओर, एकदम अनुपजाऊ जगह की ओर भेज रहे हैं, और उनको ये लोग ये चीजें गलत भी नहीं लगती थी, उनको ये चीजें गलत भी नहीं लगती थी। वो बोलते थे ये लोग लाए किसके हैं, बोला बिल्कुल, बोला ये लोग लाए किसके, मरने के लायक है, बोला क्यों लोग बहुत बेकार है, बोला ना तो इन लोगों को काम आता, बेचारे वो बोलते कि हम जंगल को नष्ट नहीं करना चाहते, और ये बोलते वो लोग लेजी हैं, उनमें कोई स्किल नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो ड्रेस कपड़े बढ़िया से नहीं पहन सकते, वो लोग मरने के लायक है। तो जो ट्राइब्स वाला क्षेत्र, यहां पे नेटिव्स वाला जो क्षेत्र है, जो एक्वायर किया गया, उसको जस्टिफाई किया गया, बोलो भाई सही कर रहे हम, तो सही ले रहे उनके क्षेत्र से, वो लाएगे नहीं इस क्षेत्र के, बोला वो डिजर्व ही नहीं करते इस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि वो उस क्षेत्र को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बोला वो उस क्षेत्र का बढ़िया से यूज नहीं करते, इसलिए वो लाएगी नहीं है, बोला। और उन्होंने बोला कि वो लोग बहुत लेजी है, बोला उन्होंने उनका क्रिटिसाइज किया, वो लोग बहुत लेजी है। लेजी क्यों है, क्योंकि वो क्राफ्ट नहीं बनाना जानते, मार्केट के लिए गुड्स नहीं बनाते हैं, वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। अरे जरूरी है कि तुम्हारी इंग्लिश सीखे तभी कोई व्यक्ति काम का हो, जरूरी है क्या, उनकी खुद की भी तो भाषा है। पर वो लोग हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, मतलब हम यूरोपियन की तरह कपड़े नहीं पहनते, इसलिए वो लोग कैसे लेजी है, बोला नालायक है। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग मरने के लायक है, बोला डिजर्व करते वो लोग मरना, जैसे चेरोकी ट्राइब के लोग मरे, बोले वो लोग डिजर्व करते मरने लायक है, बोला मरे ही मरने के लिए। तो ऐसा बोला गया, सोच के देखो, सोच के देखो कितना बुरा किया होगा,
कितना बुरा, कितना बुरे स्टेटमेंट यहां पे दी जा रही है। सोच के देखो नेटिव लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया। हम किसी क्षेत्र में रहे और हमें कोई वहां से भगा दे कि तुम इसमें रहने के लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते। तो ऐसे में सोच के देखो, प्रेरीज के घास के मैदान जो थे, जो कभी उनको बेचारों को बहुत अच्छे लगते थे, प्रेरीज के घास के मैदान जो थे यूरोप के, वहां पे अमेरिका में जहां पे वो लोग रहते थे, उनको बहुत बढ़िया लगते थे प्रेरीज के घास के मैदान, उनको साफ कर दिया। और साफ करके उनको सुनिएगा, साफ करके उनको सोचिएगा, उनको जमीन कहां किसमें कन्वर्ट कर दिया, जो प्रेरीज का जो क्षेत्र था उसको कन्वर्ट कर दिया, पता है किसमें, फार्म लैंड में, बोला यहां पे खेती होगी। सोच के देखो कैसी सोच है इनकी, और उसको ये बहुत ज्यादा सिविलाइज बताते अपने आप को, फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया, बोला यहां पे खेती होगी। उसके साथ साथ यही नहीं, जो वाइल्ड बाइसन है जो बहुत पसंद थे इनको, उनको भी मारा गया। वाइल्ड बाइसन आपको पता नहीं, लोग बहुत शिकार करना पसंद करते थे, लेकिन उतना ही करते थे, ज्यादा जंगली भैंसों का शिकार ये लोग नहीं करते थे, बहुत कम करते थे, बहुत अच्छा लगता था इनको, इनकी प्रैक्टिस थी, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, लेकिन ज्यादा नहीं मानते थे। उनको मारा गया, मतलब इनका ट्रेडिशन किल किया जा रहा है। सोच के देखिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हुए बोला गया एक सेटलर को, एक यूरोपियाई को, एक फ्रेंचमैन को, सेटल एक स्टेटमेंट देते हुए बोला गया, पता है क्या बोला, प्रिमिटिव मैन विल डिसअपीयर विद प्रिमिटिव एनिमल। ये पुराने आदमी, ये पुरानी सोच वाले लोग, प्रिमिटिव लोग मरेंगे इन प्रिमिटिव जानवरों के साथ। उन्होंने जस्टिफाई किया ये बात बोल के कि लोग मरने लायक है, और इनको जो जानवर पसंद है जैसे बाइसन पसंद है, वो भी मरने लायक है, बोला वो भी मरने लायक है, इसीलिए उसको मार रहे हैं। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट फ्रेंच मैंस ने दी। सोच के देखिए कैसी कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं, उन लोगों को भगा रहे हैं, उनको साइड में कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं उनके क्षेत्रों से, और फिर भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं। अब उनको यहां से निकाला जा रहा है, अब निकाल के कहां भेजा जा रहा है देखिएगा। Meanwhile, the native were pushed westward. भाई उनको westward भगाया जा रहा है कि भागो westward चलो, ठीक है westward चलो, और उनको जमीन दी जा रही है, ठीक है। But उनको देखो क्या करते हैं, पता है, जैसे मैं हूं सेटलर, मैं किसी जगह जाता, सुनना, मैं किसी जगह गया, मैंने नेटिव को बोला तुम यहां से जाओ, हम यहां रहना चाहते हैं, सुनिए, मैंने नेटिव को बोला तुम यहां से जाओ तो हम यहां रहना चाहते हैं, तुम वेस्टवर्ड जाओ और वहां पे क्षेत्र एक्वायर कर लो। चलो मैंने, नेटिव ने बोला ठीक है भाई, ठीक है। उनको जमीन दी गई, स्थाई जमीन दी गई, जिसमें लिखा हुआ है देयर इन परपेटुइटी, जो लिखा हुआ है परपेटुइटी माय डियर, तो इसका मतलब है कि भाई परमानेंटली उनको जमीन दी गई कि तुम यहां रह सकते हो, ठीक है, यू कैन कीप दिस लैंड, यू कैन कीप दिस लैंड, बोला रख सकते हो। लेकिन अगर यहां पर भी कोई मिनरल मिल गया, या यहां पे भी कोई उपयोगी जमीन आ गई ना, जैसे सोना मिल गया, गोल्ड मिल गया, ऑयल मिल गया, तो फिर पता है क्या बोलते, तुम यहां से भी निकलो, तुम दूसरी जगह जाओ। तुम अगर फिर से नेटिव होता, भाई ठीक है मैं यहां रह लेंगे, फिर यहां पे जगह मिल गई, तुम बोला तुम नई जगह जाओ, तो इस तरीके से बेचारों को निकाल निकाल के, निकाल निकाल के इतना ज्यादा निकाल दिया कि ये बहुत ज्यादा निकाले हुए लोग हो गए, ये बहुत ज्यादा निकाले हुए लोग बन गए, ठीक है। काफी ट्राइबों को तो इतना बुरा हाल कर दिया कि देखो, किसी को इधर से निकाला तो किसी को उधर से निकाला, तो एक दिन ऐसा आया कि दोनों ही बेचारे एक साथ रहने लगे। और तुम्हें पता है ये ट्राइब के लोग अलग अलग होते हैं, इनकी प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाइयां होने लग गई। पहले लोग बहुत बढ़िया खुले खुले अपने क्षेत्रों में रहते थे, और इनको फोर्स करके इनके क्षेत्र को कॉमन कर दिया, और नेटिव जो लोग हैं इनकी प्रैक्टिसों की वजह से वो लोग आपस में लड़ने लगे, क्वेरल्स होने लग गई, और इनको लॉक कर दिया एक कॉमन क्षेत्र में, इनको एक छोटा सा क्षेत्र बनाया और उसमें बोला तुम रहो यहां पे। जिसको इन्होंने टर्म आउट किया, जिसको इन्होंने बोला क्या, रिजर्वेशन, भाई इसको इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन है तुम्हारे लिए, रिजर्व है ये क्षेत्र, इसमें तुम इसी में रहोगे। They were locked off in a small area.
उनको एक छोटे से क्षेत्र में रोक दिया गया, रख दिया गया, ठीक है, रख दिया गया, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं तो। और उसको बोला गया तुम यहां रहो रिजर्वेशन में, तुम यहां रहो रिजर्वेशन में। तो सोच के देखो, वैसा तो है नहीं कि हर कोई बिल्कुल रिजर्वेशन में आराम आराम से चला गया होगा। मुझे बोला तू जा इधर तो मैं चला गया हूं, सुनिएगा, आराम से तो गए नहीं यहां पर। उनको नई जगह भेजा जा रहा है जिस जगह उनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिस जगह को वो जानते नहीं है। जैसे कोई कल को तुम्हारे आए घर पे और बोले चलो तुम तुम्हारे घर पे, किसी और जाके रहो, कहीं और जाके रहो, तो तुम उसको बोलोगे ठीक है भैया, अच्छा चलता हूं, जाके रहूंगा मैं तो कहीं और, ठीक है टाटा बाय बाय। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, इनकार करोगे, मना करोगे। तो उसी तरीके से बिना लड़ाई के तो उन्होंने भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा विरोध किया, उन्होंने पूरा विरोध किया, पूरी तरीके से उन्होंने बहुत सारे विरोध किए 1865 से लेके 1890s तक, बहुत ज्यादा विरोध किए। अमेरिकन आर्मी ने सबको क्रश डाउन कर दिया, सबको दबा दिया, ठीक है, सबको दबा दिया, इन लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को मारा गया। सोच के देखो, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। सीरीज ऑफ रिबेलियन यहां पे हुए, और कनाडा में भी तो एक आम रिबेलियन किया गया था, सुनिएगा, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय, चलो ठीक है चल चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ऐसा सिचुएशन करवाया नहीं। उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, बुलाओ भैया आर्मी। आर्मी आई और आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने आर्म्ड रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी। ऐसे मेटिस जो हैं वो यहां पे हैं, जो है उन्होंने भी कनाडा देर वॉज आर्म रिवोल्ट बाय द मेटिस, मेटिस ने किया है बिटवीन 1869 से लेकर 1865 के बीच, यस पुनीत प्लीज से, उनको भी दबाया गया और उनको आखिरकार गिव अप करवा दिया गया, उनसे क्षेत्र ले लिया गया। पुनीत बोलिए माय डियर, प्लीज बोलिए। तो आज हमने देखा है कि कैसे अमेरिका और साउथ, सॉरी अमेरिका और कनाडा बना है, कुछ क्षेत्र इसके खरीद के बनाए गए, कुछ क्षेत्र इसके वॉर के मदद से लिए गए, और ऐसे करते करते क्षेत्र को एक्वायर किया गया और नेटिव लोगों को, बेचारों को यहां से हटा दिया गया। वो भी करवा देंगे माय डियर, वो भी करवा देंगे, कंट्री साइड वाला भी करवा देंगे जल्दी ही। 24th को है ना, शाम को 6 बजे, 24th को शाम को 6 बजे क्लास आपकी जो है उसका जो है मैं करने वाला हूं मैराथन सेशन, शाम को 6 बजे बैठूंगा और 8-9 बजे तक पढ़ाऊंगा। अभी क्विज होगा, कहीं मत जाइए, अब बस करते हैं, लेकिन क्विज करते हैं, क्विज इंटरेस्टिंग है, क्विज मजा होगा, क्विज से पूरी चीजें याद हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको पता लगा ना कि कैसे सटलर भर भर के आए और कैसे उन्होंने क्षेत्र को एक्वायर किया और उन्होंने कब्जा कर लिया उसको। स्लेवरी भी आपने देखा कि स्लेवरी कैसे आया था साउथ इंडिया में, सॉरी साउथ अमेरिका में, और कैसे सपोर्ट करते थे, ठीक है, कैसे सपोर्ट करते थे साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका वाले, और नॉर्थ जो अमेरिका वाले थे उसका इनकार करते थे, इसी वजह से वो बैन हुआ। कनाडा का तुम्हें पता ही है कि कनाडा में कैसे उसको फॉर्मेशन किया गया, कैसे ऑटोनॉमस स्टेट को दर्जा दिया गया। उसके बाद में मैंने देखा कि नेटिव लोगों की जमीन कैसे ली गई, नेटिव लोगों से जमीन खरीद ली गई सस्ते सस्ते में। मजा आएगा, वही तो बोला है टॉपिक में, मजा आएगा, प्रॉमिस कर रहे हैं पक्का ये लोग, ठीक है सुनिएगा। और वो भी नहीं किए, बोलते ना एंटी वेंटी वो करते ना, वो भी नहीं किए, एकदम सच्ची बोल रहे हैं तुम्हें, सुनेगा। तो नेटिव लोगों से कोई संध्या करके, कोई बॉन्ड साइन करवा के, कम कम कैसा दे के भी उनसे ले ली गई जमीन, और उनको कुछ गलत भी नहीं लगा, बोला ये लोग लायक नहीं है जमीन के, बोलो ये लोग डिजर्व नहीं करते, लेस डिजर्विंग लोग है, बोला ये इस जमीन को डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए हमसे, हमने इनसे ये जमीन ली है, बोलो।
हमने इनसे ये जमीन इसलिए लिए बिकॉज दे आर लीज डिजर्विंग, और उनको हटाया गया। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कोई गलत नहीं लगा कि इन क्षेत्रों को लोगों को भगा दे, जैसे चेरोकी ट्राइब के चेरोकी ट्राइब के लोगों के साथ किया गया, बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस वो किया गया ना, चेरोकी ट्राइब के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और उनको हटा दिया गया। उनको हटाते हुए जस्टिफाई किया गया कि बोले ये लोग लेजी है, ये लायक नहीं है, ये लायक नहीं है, और उनको भगा के, उनको भगा के 2.5 से 3 घंटे का होगा, उनको भगा के क्षेत्र ले लिया खुद ने, जिसको बोला गया रिजर्वेशन, जिसको बोला गया रिजर्व क्षेत्रों में इनको भेज दिया गया। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं गए, इन्होंने विरोध किया, लेकिन अमेरिका इन आर्मी ने उसको सबको दबा के इस क्षेत्र को ले लिया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, नो इश्यू माय डियर नायरा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे गोल्ड रश हुआ है, गोल्ड की दौड़ शुरू हुई है, सुनिएगा, गोल्ड रश हुआ है या गोल्ड के लिए कैसे यहां पे भागे हैं ये सेटलर, भाग भाग के आए हैं, और कैसे बेचारे नेटिव को तो हटाया और अमेरिका को इंडस्ट्रीज में ग्रो करवाया है। ठीक है, वो भी आ जाएगा सिद्धांत, वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो। बिल्कुल वही तो मेरा काम ही वो है, आपके काम को आसान करना। और उसके बाद में टॉपिक आएगा वो भी करवाएंगे सिद्धांत, बिल्कुल बिल्कुल क्विज करवा रहे हैं। अब अगला टॉपिक ये भी आएगा, एक टॉपिक और आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे हवाएं चलेंगी सनन सनन, परिवर्तन आएगा, नेटिव लोगों को भी अधिकार दिया जाएगा और नेटिव लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलो आओ क्विज टाइम, अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज प्रेजेंट क्विज टाइम माय डियर। भाई हमारी प्लस पे डेली क्लासेस होती है, इफ यू वांट डेली क्लासेस देन यू हैव टू कम टू द प्लस प्लेटफॉर्म माय डियर। रेगुलर क्लास, डेली क्लास बढ़िया से बेहतरी से कर सकते हैं, इसका पार्ट भी जल्दी आएगा, वादा है, प्रॉमिस है आपके सर का कि बहुत जल्दी इसका पार्ट आएगा। चलो आ जाओ, करें पोल और पोल किया जाए। चलिए चलिए चलिए, तो पोल दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। यस साक्षी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। माय डियर डेली इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कुछ आवर्स लिमिटेड होते हैं जो हमें यूट्यूब पे करने होते हैं, बाकी हमारे प्लस पे आवर्स ज्यादातर होते हैं, वहां पे सारी क्लासेस होती है, वहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ले सकते हो। चलिए, सिविल वॉर जो शुरू हुआ है वो एक बताइएगा मेरे को आप लोग कि सिविल वॉर अमेरिका में स्लेवरी के लिए एंड कब हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, जल्दी बताइए, कोशिश यही है कि आपके रेगुलर क्लासेस हो, कोशिश यही रहेगा, जल्दी बताइए। सिविल वॉर एंड हुआ, पार्थ, बहुत बढ़िया माय डियर, सुपर करेक्ट, पार्थ, पार्थ ने दिया है राइट आंसर और काफी लोग दे रहे हैं राइट आंसर, रानी ने भी, स्नेहा ने भी, पुनीत राजपूत ने भी। अच्छा पुनीत, बिल्कुल करेंगे भाई, करेंगे बिल्कुल, कोशिश करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सिविल वॉर अमेरिका में स्टार्ट हुआ है अगेंस्ट स्लेवरी और 1861 में, और एंड हुआ है 1865। नो नो नो, सिविल वॉर एंडेड इन 1865, सिविल वॉर एंडेड इन 1865 अगेंस्ट स्लेवरी, और उसके बाद में स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया। स्टीप क्या है या प्रेरीज क्या है, स्टीप क्या है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि स्टीप क्या है, ठीक है, स्टीप क्या है या प्रेरीज क्या है, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से। ओ भानुप्रिया, हेलो एंड वेलकम टू क्लास माय डियर। स्टीप्स आर, व्हाट आर स्टीप्स, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए, बताइए। सर सर आपसे रिक्वेस्ट है कि 12th हिस्ट्री का सिलेबस करवा दीजिए, हर कोई प्लस लेने की कंडीशन में। देखिए मोस्ट प्रोबेबली माय डियर आई एम कवरिंग इट, इवन देखो आप एक काम करो सिद्धार्थ, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मैं रिवाइजेथन सीरीज करवाइए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर कवर करे हैं, और अगले मंथ भी वैसी सीरीज आएगी। और रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे काफी प्लस क्लासेस, सॉरी स्पेशल क्लासेस वहां पे होती है, उनसे आप ले सकते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं समझ रहा हूं आपकी बात और बिल्कुल मैं आप सब लोगों से पूरी सहानुभूति रखता हूं, और इवन मैं आपके लिए हर एक चीज का चाहता हूं कि आपको हर एक फैसिलिटी मिले। तो ग्रासलैंड है, स्टीप्स ग्रासलैंड है माय डियर, वो भी आप ले सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के साथ। देखिए वहां पे बहुत सारी स्पेशल में भी क्लासेस कवर होती है, वो भी आप कर सकते हैं बढ़िया से अच्छे से। स्टीप्स आर ग्रासलैंड भाई, वीडियो को मेरे को लग रहा है काफी लोगों ने लाइक नहीं किया अभी, अभी भी सिर्फ आई कैन सी 23 लाइक्स आर देयर। आई वांट मोर लाइक्स। यस साक्षी, लेट मी सी योर कमेंट माय डियर। अच्छा से प्लस ले लिया आपने, किया उसका फायदा जब यूट्यूब पे डेली क्लासेस वो भी है। तो स्टीप्स आर ग्रासलैंड ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस साल में डिक्लेयर किया गया था। देखिए वही है, थोड़ा सा वही हो जाता माय डियर। तो किस साल में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोमन स्टेट डिक्लेयर किया गया कनाडा को। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, मैं हर आपकी हर एक भावना को समझता हूं। व्हेन कनाडा वाज डिक्लेयर्ड एज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोमन स्टेट माय डियर, कब कनाडा को डिक्लेयर किया गया समूह ऑटोमन स्टेट्स का, कब डिक्लेयर किया गया। बहुत आसान है, इसका आंसर देना, जल्दी आंसर दीजिए, बताइए। गड़बड़ कर रहे हैं। यस आई कैन सी सुमन इज मेकिंग राइट, याओ वाओ ग्रेट माय डियर, सुमन ने सही आंसर किया। नो, सब बुक में देख रहे हो लेकिन टॉपिक नहीं देख रहे हो आप लोग। कॉन्फेडरेशन डिक्लेयर किया गया है दूसरे साल में, बिल्कुल पार्थ ने ग्रेट माय डियर, वर्षा ने ग्रेट आंसर दिया है, आराधना ने सही आंसर दिया है, और राइट आंसर होगा यहां पे, सही आंसर होगा 1867 यहां पे सही आंसर है। कनाडा को डिक्लेयर किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोमन स्टेट, तब जाके शांति आई यहां पे, तब जाके यहां पे पूरी तरीके से जो है सब लोग रह पाए, प्रॉब्लम सोल्व हो पाई 1867 में। 1867 विल बी राइट आंसर, 1867 होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए करवाया जाए, बताइएगा हुज पॉपुलेशन इज मोस्ट अफेक्टेड एंड रिड्यूस्ड इन 1820। किनकी जनसंख्या सबसे कम हुई या गिरी या गिरावट आई सबसे ज्यादा, जिसपे असर पड़ा 1820s में यूएसए में। सबको पता है कि किसके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, किसको किया जा रहा है डिस्प्लेस, किसको हटाया जा रहा है अपने क्षेत्र से। आपको सबको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है किसकी बातें हो रही है यहां पे, किसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, जल्दी बताइए। डिस्प्लेस किसको किया जा रहा है, मेक इट फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत सही है, डिस्प्लेस किया जा रहा है जिसपे सबसे ज्यादा असर डाला जा रहा है, सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या हटी है गिरी है, जिसपे असर पड़ा है, मर गए बेचारे लोग जैसे चिरोकी ट्राइब के लोग, नेटिव्स पे, नेटिव की जनसंख्या जो है, नेटिव्स की जनसंख्या पे ऐसा असर पड़ा है। बिल्कुल जल्दी। सो नेटिव जो लोग हैं उनकी जनसंख्या पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो इसी तरीके की मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं, इसी तरीके से मेरे साथ कोर्स को आप कवर कर सकते हैं बढ़िया से, बेहतरीन से, अच्छे से, और इसी तरीके से सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी और मैं करवाता रहूंगा और आप कर सकते हैं। और कल आ रही है आप लोगों को मैं बता दूं, या तो सुबह 10 बजे या फिर शाम को 6 बजे या 6:30 पे आपको मिलेंगे आपके अजय सर यहीं पे, और कवर करवाएंगे आपको मैराथन में सेंट्रल इस्लामिक लैंड। तो इसी तरीके से मजेदार तरीके से आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं हमेशा रेगुलरली, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी,
अनअकैडमी प्लस पे एक बेहतर ऑप्शन। मैं हूं प्लस का एजुकेटर, ठीक है, मैं हूं प्लस का एजुकेटर और इसी तरीके से हिस्ट्री करवाता हूं, और भी वैसे ही बहुत सारे एजुकेटर हैं जो बेहतरी से आपको पढ़ाते हैं, करवाते हैं अनअकैडमी प्लस पे। तो प्लस प्लेटफॉर्म एक बेहतर मौका और बहुत सही है, बहुत वो है, ठीक है, और बिल्कुल कोशिश करेंगे मालूम। तो इसी तरीके से मेरे साथ आप आ सकते हैं, ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, एक बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए। सारी वीडियो, सारे कोर्स, सारे नोट्स, सब चीजें वहीं पे मिलेंगी आप, ठीक है, बिल्कुल पार्थ, मजा आएगा, क्योंकि हम मजे लेके पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, हम एंजॉय करते हैं उस चीज को, और मुझे अच्छा लगता है जब आपका काम आसान होता है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल दिल से पढ़ाते हैं, तुम्हें एक भी मिनट लगा, एक भी क्षण लगा कि हम ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे नहीं है टॉपिक पे, नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे को डेढ़ घंटा कब चला जाता है, कब बीत जाता है, तुम्हारे साथ समय कब निकल जाता है। सो इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अटेंड करने का, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। सो बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, अच्छे से रहना, पढ़ते रहना। Bye.